पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। गलवान घाटी में सेनाओं को पीछे करने की कवायद के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प की खबर है। यहां तक कि सेना के मुताबिक हिंसक संघर्ष में भारत ने एक अधिकारी और दो जवान को खो दिया है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। हालांकि चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुलाकात कर हालात संभालने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, जिसे लगातार बातचीत के जरिए सुलझाने के दावे किए जा रहे थे।